ra ra sao thân cho nó à, hamare liye to ek mushkil hai main gujarati to bol hi nahi sakta hu aur hindi bhi koi vishesh theek theek nahi bol sakta hu hai aap log kshama kijiyega ye jo कृष्ण भावना हमने का संघ हम लोग बनाया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण पंथ इसका उद्देश्य यही है कि सारा दुनिया में जो सब लोग एक भ्रम में है वो क्या भ्रम है वो समझता है कि इस दुनिया में रुपया पैसा खूब पैदा करके और भोग करेंगे और उसी में मैं सुखी रहूंगा ये सब दुनिया में चल रहा है तो किसी तरह से रुपया ले आओ और भोग करो पाश्चात्य देश में इसको कहते हैं हेडोनिज्म ईट ड्रिंक बी मैरी एंड एंजॉय बैठिया तो श्री चैतन्य महाप्रभु आज से 500 वर्ष पहले ये संकीर्तन मूवमेंट आंदोलन संकीर्तन भगवान का नाम का प्रचार भगवान और भगवान का नाम कोई प्रभेद नहीं है नाम चिंता मणि कृष्ण शास्त्र में बताते हैं जो भगवान का नाम जो कृष्णा और भगवान का नाम जो राम ये स्वयं भगवान है नाम चिंता मणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह जैसा भगवान विग्रह मूर्तिवान पूर्ण चेतन इसी प्रकार भगवान का जो नाम वो भी पूर्ण चेतन नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विद्या इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए शास्त्र कहते हैं पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्याग नाम नाम ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नाम से बहुत बड़ा है नाम कुछ छोटा है नहीं जैसा नाम भगवान जैसा सर्वशक्तिमान इसी प्रकार भगवान का नाम भी सर्वशक्तिमान नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता ये भगवान का नाम भगवान की सब शक्तियां उसमें है यदि हम लोग शुद्ध नाम कर सके नाम जपने के लिए तीन अवस्था है एक नाम अपराध और एक नामाभास और एक शुद्ध नाम नाम अपराध पहले पहले हम अपराध होता है कि बहुत से आदमी ऐसे ही समझते हैं कि हरे कृष्ण नाम जपो और दुर्गा नाम जपो काली नाम जपो ये और कोई देवता का नाम जपो सभी एक है ये नाम अपराध है शास्त्र में कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम वो केवल और कोई नाम नहीं हरेर नाम आदमी भ्रम से ये समझता है कि कोई भी नाम जप लो और वो लोग बोलता है ऐसा नाम से जपो नहीं ये शास्त्र विधि नहीं है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम वो केवलम कलो नास्ती व नास्ती व नास्ती व गति अन्यथा कलियुग में सब आदमी बहुत पतित है कलियुग का विशेष वर्णना द्वादश स्कंध में बताया गया है भागवत में वो सब मिलता जुलता है एक शब्द उसमें आया है लावण्यम केश धारणम कलयुग में आदमी समझेगा
कि ज्यादा बाल रखने से बड़ा सुंदर हो जाएगा। आप लोग देखिएगा आजकल नौजवान खूब बाल रखते हैं, वो समझता हम बहुत सुंदर होंगे। लावण्यम केश धारण, बाकी ये कलयुग का एक पहचान है लक्ष्मण। और भी बहुत से हैं, दाम्पत्य रति में वही, ये स्त्री पुरुष का जो संपर्क है पति पत्नी, वो संपर्क तब तक ठीक रहेगा जब तक उनका जो काम परितृप्ति चलेगा। दाम्पत्य रति में वही, इसका प्रमाण विदेश में पाश्चात्य देश में बहुत थोड़ा उनका इंद्रिय तत्व में गोलमाल हुआ तो डाइवर्ट कर दे। तो शास्त्र में लिखा है दाम्पत्य रति में वही, विप्रत्य सूत्र में वही, विप्रत्य ब्राह्मण, ब्राह्मण कैसे रह गए, मैं एक दो पैसे का सुतली लगा दिया, और सब ब्राह्मण का गुण जो है समो दम तितिक्षा आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव, सब गीता में बताया आप लोग जानते हैं, वो सब समोदम सब चूल्हे में गया, एक दो पैसे का सुतली लगा दिया ब्राह्मण। ये सब कलयुग का पहचान है लिखा है। और आयु और मेधा और दया और धर्म ये सब बिल्कुल चला जाए, ये सब कलयुग में विस्तार बनाना है। आप लोग जो भागवत पढ़ेंगे द्वादश स्कंद में तृतीय अध्याय में ये सब बनाना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र का अनुसार कहते हैं कि हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिगण्यता। कलयुग में यही एक पंथा है जो कि आपको ये भौतिक जगत से भगवान का पास पहुंचा सकता। आदमी जानते ही नहीं कि हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसा नीच हो गया। न थे विदु सार्थ गति विष्णु, पहले भी था कम था, जैसा पहले भी रावण था संन्यास वेश लेकर के और सीता को हरण करने को दिया, तो आजकल ज्यादा हो गया। उस समय एक ही सन्यास था रावण मिलता है जो कि सन्यास वेश धारण करके परस्त्री हरण करने के लिए गया, आजकल बहुत मिल जाए। तो ये कलयुग है। और ये कलयुग का विषय शास्त्र में बताया है कि प्रायेण अल्प आयुष कलौ अस्मिन् युगे जना मन्यास मंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। उपद्रव क्या क्या चीज है वो भी बताया है। दुर्भिक्ष करपीड़िता, एक तरफ से खाने को चीज नहीं मिलेगा और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट खूब टैक्स लगाएगा। दुर्भिक्ष करपीड़िता, आदमी सब परेशान होकर के अच्छिन्न दारिद्र्येण गच्छन्ति गिरिकाननम्। बहुत ही कलयुग का जो दुर्दशा की वर्णना है शास्त्र सब दिया हुआ है और उपाय भी बता दिया है कि कलयुग में जीवन को सफल करने के लिए एक ही उपाय है। ये भी सुखदेव गोस्वामी बताया है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुना की तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम भजे। अनेक प्रकार विवेचना है शास्त्र में, उसी का अनुसार ये हरे कृष्ण आंदोलन हम लोग सारा दुनिया में फैला रहा हूं और उसका कुछ कुछ
फल भी मिल रहा है। आप लोग देख रहे हैं ये सब यूरोपियन अमेरिकन बॉयज गर्ल्स बच्चे भी अब सामने देख रहे हैं, एक बरस बच्चे भी नाच रहे हैं। यह इसी चीज है, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कभी न है, सवनादि शुद्ध चित्त करो उदय। भगवत भक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति जो है वो कोई सिखाने का चीज नहीं है, वो भीतर में सबका हृदय में है। नित्य सिद्ध परपेचुअल नित्यकाल है, क्योंकि भगवान से हम लोग का बहुत घनिष्ठ संपर्क है, जैसा पिता पुत्र, पिता से पुत्र का संपर्क बहुत घनिष्ठ है। बहुत दिन पिता चाहे पुत्र परस्पर छोड़ करके अगर विदेश में रहा, फिर बहुत दिन बाद जब मिलते हैं तो वो जो पिता पुत्र का स्नेह है वो अटूट रहता है। इसी प्रकार भगवान से हम लोग का जो संपर्क है वो अटूट है। बाकी कलयुग में पाप का कारण वो ढका हुआ, उसको जगाना चाहिए। और कुछ चेत दर्पण मार्जनम, वो जगाने के लिए चित्त दर्पण जो है, दर्पण का अर्थ होता है वो आईना जिसमें से आप लोग सब आपका स्वरूप देखते हैं, वो मैला से ढक गया, उसको साफ करना, चित्त को साफ करना। इसलिए हम लोग कृष्ण कौन सा स्नेह, कृष्ण भावना हम लोग को, भावना तो है हम लोग को, अनेक विषय हम लोग सोचते हैं, सोच के काम करते हैं, बिना भावना एक सेकंड भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। वो भावना को शुद्ध करना चाहिए, केवल कृष्ण को भावना होना चाहिए, बस जीवन सफल। इसका नाम है कृष्ण भावनामृत। श्री रूप गोस्वामी बताया है कृष्ण भक्ति रसोभाव, कृष्ण भक्ति रसोभावामृत क्रियताम यदि तो विलंबते। रूप गोस्वामी बताया है कि कृष्ण भावनामृत यदि कहीं आपको खरीदने को मिले तो आप बहुत जल्दी खरीद लीजिए। कृष्ण भाव रसम, कृष्ण भाव रसामृत मती प्रियताम यदि कुतो विलंबते। तो ये चीज खरीदने के लिए कुछ दाम देने पड़ेगा, हाँ वो भी बताया। तत्त लौलम एक अलम मूल्यम, यदि आप कृष्ण के लिए थोड़ा लोभ ही हो जाएंगे, ये इसी जीवन में हमको कृष्ण चाहिए, जैसे हम लोग रुपया के लिए लोभी हो जाते हैं, सुंदरी स्त्री के लिए लोभी हो जाते हैं, उसी प्रकार यदि कृष्ण में लोभी हो जाएंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। यही पद्धति, यही हम लोग सिखा रहे हैं। भगवान खुद भी बताए भगवद गीता में, मैया सत्य मना प्रार्थना जोगन जुंजन मदाश्रय असंसंग समग्र नाम जथा गैसी तत्व। भगवान में लोभ होने का आसक्ति, जैसा हमारा आसक्ति है दुनिया में, यानी धन में, स्त्री में और पद में, ये सब हम लोग चाहते हैं, इसमें आसक्ति है। इसी प्रकार आसक्ति यदि भगवान में हो जाए तो हमारा जीवन संभव हो जाए। वही चीज कृष्णा, ये जो कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट है, किस तरह से दुनिया का आसक्ति कृष्ण में हो, ये हम लोग का प्रयास और कुछ। तो भगवान खुद बताए कि मैया सक्त मना प्रार्थ योग, ये योग है,
किस तरह से कृष्ण का चरण में आसक्ति हो, इसका नाम है भक्ति योग। हाँ, वो भक्ति योग जिस तरह से हो, वो प्रहलाद महाराज बहुत दिन पहले बताए, सवनम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सखम आत्मनिवेदनम। ये श्रवण है प्रधान, भगवत नाम श्रवण। अतः श्री कृष्ण नामादि ये नाम श्रवण, हरे कृष्ण ये श्रवण से हम लोग पहले शुरू करते हैं। केवल श्रवण नहीं, यदि हम ध्यान दें, जैसे परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज मरने में 7 रोज बाकी, तो वो केवल श्रवण किया श्रीमद् भागवत। हाँ, श्री विष्णु श्रवण है परीक्षित, परीक्षित महाराज केवल श्रवण किया बैठ गया श्रीमद् भागवत। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन किया, एक एक आइटम है, सवनम कीर्तनम विष्णु, चाहे भगवान का नाम श्रवण कीजिए। देखिए कलयुग का प्रभाव है, ये नाम श्रवण करने में भी बाधा। बैठ के थोड़ा शांति से भगवान की नाम कीर्तन श्रवण करें, वो भी चित्त नहीं लगा सकते हैं। इसलिए ये श्रवण से ही चित्त संयम होगा, शासन चेत दर्पण मान। पहले पहले वो ठीक नहीं लगता है, जैसा कोई व्यक्ति का वो क्या नाम जॉन्डिस पित्त रोग किसी का हो जाता है, तो उसको मिश्री दीजिए, वो बोलता है ये तीत है, कटु है, क्योंकि तो पित्त रोग से मिश्री सबको ही जानते मीठा है, बाकी उसको जीवा में वो कटु लगता है। बाकी वो जो पित्त रोग है जॉन्डिस, उसको आराम करने के लिए मिश्री एकमात्र उपाय है। तो मिश्री खाते खाते कोई मिश्री मालूम होगा बड़ा मिष्ट है, सुमिष्ट। इसी प्रकार ये भगवान का नाम कीर्तन, ये जो हम लोग भौतिक जगत का जो रोग है, ये रोग का कारण अच्छी नहीं देते। बाकी ये रोग मिटाने के लिए यही मात्र उपाय है और कुछ नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम। इसलिए थोड़ा जबरदस्ती मन को बैठाना चाहिए, यही है साधना। अभ्यास योग युक्ते न चेतुषा नान्न धामी। जिसका मन बड़ा चंचल है उसको अभ्यास योग करना चाहिए। इसका नाम है तपस्या। मनुष्य जीवन जो है ये तपस्या करने के लिए है। ये कुत्ता भेड़ी का ऐसे नहीं होना चाहिए। कुत्ता भेड़ी सुअर जैसा दिन भर परिश्रम करता है थोड़ा खाने के लिए, कलयुग में जो ये जो अवस्था आई है कि 2 रोटी के लिए आदमी गधे का ऐसा परिश्रम करता है, ठेला ठेलता है स्त्री पुरुष मिलकर के, ये कोई मनुष्य का काम है ये? बाकी कलयुग में ये सब हो रहा है और भी होगा। 2 पैसे के लिए आपका पुत्र आपका बक्खस्थान में छुरी लगा देगा, ये सब टाइम आता है 2 पैसे के है, सब भागवत में लिखा है। ये सब क्रमशः टाइम बहुत ही खराब आएगा, और इसका एक ही मात्र उपाय है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति व नास्ति नास्ति। ये शास्त्र का वचन है। इसलिए हम लोग का अनुरोध यही है, जो किसी अवस्था में आप रहिए,
ये हरे नाम को जपा करें, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। अगर आप समझे कुछ लाभ भी नहीं है, लाभ तो बहुत है बाकी आपको मालूम नहीं, खैर नुकसान तो है ही नहीं। आप रास्ता में चल फिर रहे हैं और यदि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 ये नाम को जपा करें तो आपको क्या नुकसान हो जाए। लाभ जो होगा तो पहले मालूम पीछे मालूम होगा, बाकी अभी तो कुछ नुकसान तो नहीं है। और भगवान का नाम कीर्तन करने में कोई परिश्रम भी है नहीं, यही हम लोग का निवेदन है। कहीं भी रहिए, हाँ किसी अवस्था में रहिए, कोई भूतल में कोई जगह में रहिए। अब देखिए ना, ये लोग सब यूरोप अमेरिका में, ये तो हिंदू भी है नहीं और भारतवर्ष में है नहीं, ये तो उनका जन्म तो कहाँ कहाँ हुआ है, क्यों ये लोग नाम करते हैं? कोई नाम करने में कोई मुश्किल है? नहीं, मुश्किल कोई नहीं है, नुकसान भी कोई नहीं। बाकी हाँ, यदि आप नाम जपा करेंगे, ये जो हृदय में तमाम गर्दा सब इकट्ठी हो गया वो सब साफ हो जाएगा। हाँ, चेत दर्पण माजनम, और हमारा जो तकलीफ है इस दुनिया में, असल तकलीफ जो है तो हम लोग समझते ही नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, ये भगवान जो चित्त दर्पण मार्जना, जब चित्त दर्पण मार्जित तो हो जाएगा, साफ हो जाएगा, जैसा आयना है हम लोग उसमें अगर गर्दा है वो साफ कर दिया जाए तो आपको जो सुंदर मुख है वो आप देख सकेंगे। इसी प्रकार जितना आप हरिनाम कीजिएगा, हरे कृष्णा, आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा, चेत दर्पण मान, और फिर फुल मालूम हो जाएगा ये जो दुनिया में हम इतना परिश्रम कर रहे हैं इसका क्या कारण है, और हमको हम मरने को नहीं चाहता हूं, क्यों हमारा ऊपर मौत आता है, हम बुढ़ा होने को नहीं चाहता हूं, क्यों मैं बुढ़ा हो जाता हूं, हम रोग नहीं चाहता हूं, क्यों रोग हमारा पर जबरदस्ती आता है, ये सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए चेत दर्पण माजन। और जब ये सब प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा तो भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये जो भौतिक जगत में आग जल रहा है सबके लिए, वो जो बड़े बड़े गवर्नमेंट मिनिस्टर है उसको लिए भी आग जल रहा है, और जो रास्ता में रोजाना नौकरी करके रोटी पकड़ उसके लिए भी आग जल रहा है। ये बात नहीं है जो आपको कोई अच्छा पदवी मिल जाए और पैसा मिल जाए ये आग बुझ जाएगा, नहीं ये बात नहीं, ये सब हम लोग साक्षात देखा है, हम नाम लेने नहीं चाहते। वो चलता है भव महादावाग, दावाग्नि, इसको नाम क्यों लिया गया है, दावाग्नि का अर्थ होता है वो जो जंगल में आग लगता है उसका नाम है दावाग्नि। वो जंगल में कोई आग लगाने को नहीं जाता है दुश्मनी करके, बाकी प्रकृति का ऐसा ही नियम है वो जंगल में भी आग लग जाता। इसी प्रकार आप आपका परिस्थिति में भौतिक जगत में आप अगर आग लगाने नहीं भी चाहते हैं तो आग लग जाता, जैसा लड़ाई होती है कभी कभी, कई लड़ाई हो गई, कौन चाहता है भाई कई लड़ाई होती, वज्रपात होता है, रोग होता है, बहुत से मैं विषय, एक आपका मित्र है वो आपको शत्रु हो जाता, अपना पुत्र भी शत्रु हो जाता, ये दुनिया का नियम है, इसका नाम है भव, भव महादावाग। आप आग लगाने को चाहते नहीं भाई आग लग जाए, इसीलिए तो इसलिए चेत दर्पण मार्जन होने से जो जब हमको समझ में आएगा
कि मैं तो कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं, उसका नाम है चेतगत। मैं तो ये शरीर नहीं है। हाँ, कहेंगे अभी ये जो हमारा भौतिक सभ्यता चल रहा है सब देहात्म बुद्धि, हम सोचते हैं हम भारतीय है, ब्राह्मण है, और ये बंगाली है, गुजराती है, ये अनेक प्रकार, और भी समझते हैं हम अमेरिकन है, हम वो है, वो है, ये सब हम लोग, ये सब कुछ नहीं है, ये सब जंजाल है। हाँ, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम, ये जो सब हम लोग भूल से सोचते हैं, जो हम ये है वह है वह है, इसका नाम है वो गर्दार, उसको मार्जित हो जाए, वो जाओ जितना जंजाल है वो सब साफ हो जाएगा, उस समय आपको अवस्था है ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। जब आप ब्रह्मभूत हो जाएगा समझ जाएंगे अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म वस्तु है, हम भौतिक वस्तु नहीं है, शरीर नहीं है। इसी को भगवान पहले ही समझाता है, देही नस्मिन यथा देही कौमार्यो मनुजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्व नमय, ये सब विचार है। चित्त दर्पण मार्जित नहीं होने का कारण अनेक जंजाल, अनेक भूत से हम लोग जीवन अतिवाहित करते हैं, और ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है ये सब जंजाल हटाने के लिए, बाकी हम जंजाल ज्यों के त्यों रख दिया और बड़ा सेठ बन गया, उसमें क्या लाभ। जंजाल को साफ करो जिसमें जीवन सफल होगा, और जंजाल रख करके थोड़े दिन के लिए 20-50 वर्ष के लिए एक बड़ा सेठ बन गया, हाँ ये गरीब बन गया, वो एक ही बात है। कोई समझता हम बहुत गरीब है, किस तरह से हमको धन मिले, और कोई समझता है जब इतना बड़ा सेठ बन गया तभी हमारा आशा पूर्ण नहीं है, तो बात हो ही गई है। हाँ, सब समान चित्त, हाँ एंजाइटी, हाँ ये प्रहलाद महाराज उनके पिता को बताया था, भाई बेटा तुम क्या अच्छी चीज सीखा है हमको थोड़ा बताओ, तो प्रहलाद महाराज बताया, पिताजी नहीं बोला तत्साधु मन्ने सुरवर्ज देहना, हाँ पिताजी आप तो असुर का श्रेष्ठ है, असुर वर्ज, वर्ज मीन श्रेष्ठ, बहुत भारी असुर है, तो पिता को बोला तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहना, जो ये शरीर लिया है भौतिक शरीर उसके लिए ये उचित है क्या, न हित्यात्म घातम गृह अंगकूपम वन में गतो जद हरिमा शरीर का, जब ये जो शरीर मिला भौतिक शरीर इसके लिए सब समय हमको चिंतित रहना पड़ता है, तो साधु मन ने सुरवर्ज देना सदा समुद्विघ्न धिया असद ग्रह, ये जो असद वस्तु शरीर माए धारण किया है इसके लिए सब समय समुद्र विघ्न रहने पड़ेगा, और यदि आप ये समुद्र विघ्नता से हमें छुट्टी लेने को चाहते हैं तो हित्यात्म घातम गृह अंग कूपम वनम गतो जद हरिमा से, इसलिए हमारा जो वैदिक सभ्यता है वानप्रस्थ वन में जाना, पंचाशोद्धम वनम ब्रजे, ये शास्त्र के निर्देश है, जहां 50 वर्ष हो गया अब वन में जाइए, तो वन में तो जाने का आजकल सामर्थ्य नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो इसलिए कम से कम वृंदावन में आइए, हम लोग वृंदावन में को भारी मंदिर बना है और आने का जगह है, आप लोग जिसका 50 वर्ष ऊर्ध्व हो गया सब आइए उधर रहिए, भगवत चर्चा कीजिए और जीवन को संभल दीजिए, बनंगत वो जग हरिमा, खाली वन में जाने से नहीं होगा, वो तो बंदर भी रहता है बंदर,
नंगे रहते हैं, फल भी खाते हैं, बड़ा सात्विक जीवन, ताकि एक एक बंदर का दो दो तीन तीन दर्जन ओमन चाहिए। उस प्रकार वन में जाने से कुछ फायदा नहीं। वन में जाइए हरिमा आश्रय का और भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए, ये शास्त्र का निर्देश। तो जहां तक हो हम लोग सब सुविधाएं देने के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, सब आश्रम भी बना रहा हूं और मंदिर भी बना रहा हूं और रहने का जगह भी है, तो कम से कम पंचाश उद्धम ये जो सिद्धांत है कि हम कभी घर छोड़ेंगे नहीं, ये ठीक नहीं। तो फिर सदा समुद्र विघ्न धिया मसुक देहा इत्यात्मघातम गृहंगतूपम, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। वैदिक सभ्यता है वर्णाश्रम धर्म, ये असल धर्म है। चार वर्ण चार आश्रम, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये जरूर होना चाहिए, नहीं तो समाज उश्रृंखल है। ब्राह्मण समधम अतिथिखा ये सब विद्वान होकर के सबको सिखाएंगे, क्षत्रिय शासन करेंगे और वैश्य अन्न उत्पादन करेंगे, अब शूद्र जो कुछ जानते हैं नौकरी करें बस। इसी प्रकार ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ चन्या ये सब नियम को पालन करना चाहिए, तभी सुखी होंगे। और केवल स्वर्ग गधा का ऐसा परिश्रम करते लाओ पैसा लाओ रोटी, ये कोई सिविलाइजेशन नहीं, इसमें दुनिया नाश हो गया। तो इसलिए हम लोग का आप लोग से निवेदन है कि ये जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट आंदोलन है इसको अच्छी तरह समझिए, ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, एक हमारा मगज में कोई बुद्धि आगे लगा दिया नहीं, ये जगलरी नहीं है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक शास्त्र सम्मत, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए, इसको लीजिए और जिस तरह से आपका जीवन सफल हो सके उसके लिए कार्य कीजिए, इतना ही आप लोग से निवेदन। और वो सब काम बड़ा सुंदर से हो जाए यदि केवल आप ये हरे नाम हरेर नाम ही होते चित्त दर्पण बन जाए, चित्त दर्पण मार्जित हो जाएगा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा चित्त दर्पण माजनम भव महादामाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावध जीवनम आनंदामृति वर्धन। यदि आप इस लाइन में आइएगा तो आप आनंद चाहते हैं, आनंदमय अभ्यास जी मातृ आनंद चाहते हैं, भगवान भी आनंदमय है और भगवान का अंश स्वरूप जो जीव है वो भी आनंद धोते हैं, तो सुखम मातम तिकं जतेन्द्रिय ग्राह्यम, जो वास्तविक आनंद है वो तो अतीन्द्रिय वस्तु है, ये भौतिक वस्तु नहीं है। रमन्ते योगिनः अनन्ते सत्यानन्दे चिदात्मनि इति रामपदेनासो परब्रह्म विधीयते, ये शास्त्र में भगवान रामचंद्र का विषय बताया कि राम माने परब्रह्म, कृष्ण माने परब्रह्म, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, और भगवान राम और भगवान कृष्ण हरे राम ये कोई फर्क नहीं। जब आप शुद्ध राम कीर्तन करेंगे तो समझ लीजिए कि भगवान रामचंद्र ये बलराम कोई भी राम भगवान, भगवान का एक परशुराम हुआ, एक बलराम हुआ और एक भगवान रामचंद्र हुआ, सभी एक है। तो वे नाम नाम चिंता मनी कृष्ण, नाम को जप करने से आप चाहे राम का भक्त हो कृष्ण का भक्त है, समझ लीजिए भगवान रामचंद्र और कृष्ण आपका जीवा में आकर के नाच रहे हैं, इस भावना से यदि आप नाम कीर्तन कीजिए तो आपको जीवन सफलेगा। विद्यावध जीवन आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम,
ये चैतन्य महाप्रभु की आशीर्वाद है, ये बताएं। तो आप लोग जिस अवस्था में रहिए और इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं है, एकदम देख लीजिए कि हरे नाम करने से क्या क्या फायदा। सब समय कीर्तनीय सदा हरि, ये भी चैतन्य महाप्रभु बताए कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो कोई बोलेगा ये पागल है। देखो तो बिजनेस में अपना बैठे हैं और नाम जप कर रहे हैं, कोई बोलेगा जुआ चोरी, ये जुआ चोर है, एक ढंग लगा है, ये सब खाना पड़ेगा। भगवत भक्त होने के लिए बहुत सहन करने पड़ता है। जैसा प्रहलाद महाराज, अपना पिताजी शत्रु हो गया, मारो ये बेटा, ये भगवान का नाम करता है, हमारा बात सुनकर ये सब शत्रु बन गए। हाँ, तो ये सब होते हुए भी तिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानी नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये सब सहन करके भगवान का नाम जपा कीजिए, जीवन आपको सब सफल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। आप लोग को धन्यवाद है, क्योंकि साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का आप लोग जप किया। ये हरे भगवान और भगवान की शक्ति, जैसा राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, भगवान और भगवान की शक्तियां, वेद में है नतस्य कार्यम करणं च विद्यते नतस्य समा हृदिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विरिदैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया। जो भगवान जो है उनको कोई काम करने का जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग देख रहे हैं, कोई धनी आदमी होए, कोई बड़ा आदमी होए, मिनिस्टर है, वो अपना हाथ से कुछ काम नहीं करता, बाकी उनको नौकर चाकर बहुत है। इसी प्रकार भगवान जो है उनको हाथ से कोई काम करने की जरूरत नहीं। नतस्य कार्यम करणं च विद्यते, और नतस्य समा, भगवान का समा, जैसे भगवान है ऐसा हम भी है, ये राक्षसी प्रवृत्ति है। भगवान का समान कोई है नहीं, और भगवान से ऊंचा भी कोई है। नतस्य समा अधिक, सब भगवान से नीचे है। तो ये जो राधा कृष्ण हरे कृष्ण की भगवान से प्रार्थना है, ये हे हरा भगवान की जो शक्ति आप, और हे कृष्णा हे भगवान आप दो मिल करके हमको आपकी सेवा में लगाई। क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की सेवा करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु बताया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का दास है, बाकी वो स्वरूप भूल करके ये भौतिक जगत में वो मालिक होने को चाहते, इसलिए ऐसा उनका दुख।
परास शक्ति विमुख ही होती है। तो ये भौतिक जगत में जो हम लोग हैं इसका नाम है बुद्ध जी। ये भूल गया भगवान का नित्य दासत्व, भूल गया माया का दासत्व में उसका समय नष्ट हो रहा है।